सो हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से हैं। तो आज मैंने बनाए राजमा, पर मैंने उनको बॉईल नहीं करा, सोक नहीं करा था, भिगोया नहीं था। सबसे पहले एक कढ़ाई में डाला मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल, दूसरी में थोड़ा ज़्यादा डाला। दूसरा फ्राइंग पैन है और एक कढ़ाई है, तो कढ़ाई में मैंने प्याज नहीं डाला है। टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक, इन तीन चीज़ों का पेस्ट बनाया और इसको कढ़ाई में डाल दिया। ये है मेरी मूंग दाल जो होती है ना, येलो वाली मूंग दाल, उसका बैटर, उसका पेस्ट। ठीक है जी, तो मूंग दाल की जो वड़ी बनाने की कोशिश मैंने की थी कि मैं मूंग दाल के पकौड़े टाइप कुछ बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ये आती नहीं है बनानी, तो मैं सिंपली ट्राई कर रही थी, पर ये अच्छी नहीं बनी थी मुझसे, इट वॉज़ वेरी हार्ड। तो फिर मैंने और वीडियोज़ देखी तो मुझे पता लगा कि मेरे को कहाँ पर काम करना है इस चीज़ पर। तो राजमा बनाने के लिए पेस्ट मैंने डाल दिया सारा अपनी कढ़ाई में, ठीक है जी। उसके बाद हल्दी, नमक और ये सब मसाले डाले मैंने, हिंग आप ज़रूर डालिएगा, ठीक है जी। तो ये देख लीजिए, मैंने 7 सीटी लगवाई थी, ठीक है, बिना भिगोए 7 सीटी लगवाई, तो ये ऐसे अच्छे हो गए थे। अगर आपके राजमा उबलने को टाइम लेते हैं तो आप 1-2 सीटी और लगवा लीजिए। यहाँ मेरा तड़का भी बिल्कुल रेडी हो गया था, ठीक है जी। अब कुछ लोग जो अपना मसाला होता है ना उसको कुकर में डालते हैं, कुछ राजमा को मसाले में डाल देते हैं। ये देखिए मेरी पकौड़ी बनी थी, तो अब यहाँ पे जो मसाला था मैंने क्या किया, ये देखिए साइड्स पे घी जो है ना वो छूटना शुरू हो गया। घी छूटने का मतलब है कि आपका जो मसाला है दैट इज़ रेडी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि सारा मसाला जो नमक वगैरह मेरा साइड्स पे लग गया है ना वो भी निकल जाए। तो यहाँ पे वही पानी डालूंगी मैं, ये देखिए मैं आपको मसाला डिटेल में दिखा रही थी, तो पानी वही डालूंगी जो प्रेशर कुकर में राजमा बॉईल करते टाइम बचता है, ठीक है, क्योंकि उसमें राजमा का फ्लेवर होता है, उसमें राजमा का एरोमा होता है, सो वही पानी डालना सही रहता है। तो ये देखिए वही पानी डाला और बहुत ही ज़्यादा खुशबू जो राजमा में आती है ना, तो इन्हीं मसालों से आती है, राजमा मसाला ये सब चीज़ें होती हैं। आप चाहो तो वो डालो, पर जो ऐसे नेचुरली तरीक़ों से बनाने वाला फंडा है ना वो ज़्यादा बेटर है। सो ये देखिए मैंने अब वो सारे का सारा मसाला उठाया कढ़ाई में से और वो इसमें वापस से डाल दिया और मेरे राजमा ऐसे बन के आए। अब इसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा टाइम और लगाया था हीट पे और मैंने इसको ऐसे सर्व करा था। ये देखिए मैंने इस लेवल तक पका ली थी ग्रेवी और ऐसे मैंने इसको सर्व किया था।